शासन के निर्देश पर तारामंडल स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में संस्कृति विभाग द्वारा अखंड रामायण पाठ करवाया गया, जिसके संबंध में राजकीय बौद्ध संग्रहालय के उप निदेशक डॉ. मनोज कुमार गौतम ने बताया कि शासन के निर्देश पर अखंड रामायण पाठ करवाया गया है, जो कि गोरखपुर के 10 मंदिरों में किया जाएगा, जिसमें पंचमुखी हनुमान मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, अलीनगर दुर्गा माता मंदिर, काली माता मंदिर, शाहपुर समय माता मंदिर, जंगल कौड़िया बेतिहाता हनुमान मंदिर सहित कुल 10 मंदिरों का चयन किया गया है, जहां पर अलग अलग दिन शुभ तिथियों में अखंड रामायण पाठ करवाया जाएगा, जो कि शासन के निर्देश पर संस्कृति विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए राजकीय बौद्ध संग्रहालय के उप निदेशक डॉ. मनोज कुमार गौतम, पुजारी पंडित संजय धर दुबे ने कहा, यहाँ पर अभी आरती हुई है और आप देखेंगे कि जनपद गोरखपुर के अनेक मंदिरों में इस तरह का आयोजन किया गया है। जो हम लोगों ने मंदिरों का चयन किया है वो 10 मंदिर हैं, जिसमें पंचमुखी हनुमान मंदिर, तारामंडल, लक्ष्मीनारायण मंदिर, कोनीपुर दुर्गा माता मंदिर, अलीनगर काली माता मंदिर, शाहपुर समय माता मंदिर, फुलवरिया जंगल कौड़िया, हनुमान मंदिर बेतियाहता, इस तरह से कुल 10 मंदिरों का चयन किया गया और वहाँ पे सभी जगहों पे अलग अलग शुभ तिथियों में अखंड रामायण और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया गया। ये देखें, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश ने ये पहल की है और संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ही ये सारे आयोजन कराए जा रहे हैं। अखंड रामचरितमानस जो शासन के द्वारा वो किया है, उद्घोष हुआ है, अखंड रामचरितमानस पाठ दुर्गा पाठ का, वो यहाँ पर मंदिर पर चल रहा है और यह ऐतिहासिक कार्यक्रम है जो अभी तक कभी कोई शासन इस तरह की व्यवस्था कहीं से बनी नहीं। मंदिरों के लिए पहली बार ऐसा महाराज जी के द्वारा जो है आदेश हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा। ये आज श्री गणेश हुआ, कल समापन होगा इसका। और भी मंदिरों में होगा? जी हाँ, यहाँ पे जिले में 10 मंदिरों के लिए यह जो है प्रस्तावित है, वहाँ पर चल रहा है जगह जगह। पंडित संजय धर दुबे।